हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सभी लोगों के मन में ये प्रश्न है कि हमारे ग्राम विकास अधिकारी में जो कट ऑफ वापस आई है, जो दो दिन पहले ही आई है, उसमें हमारे नंबर आखिर कम क्यों हुए, इसका कारण क्या है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और आप वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके जो आंसर की आई थी उसके बाद से आपके कम नंबर किए हुए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आपने जो आपका वीडियो का एग्जाम दिया था उसके बाद एक दो दिन बाद ही आपकी सभी संस्थानों की वो आंसर की आ गई थी और आपने देखे थी कि हमारे नंबर कितने आ रहे, आप सभी ने मिलान कर लिए थे। दोस्तों, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके नंबर कम क्यों है, क्योंकि दोस्तों सभी संस्थान अपने अपने अनुसार सभी अलग अंक बताते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कंफ्यूजन हुई थी, उस वजह से आपके नंबर कम हुए हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिससे आपके जो आपने मिलाया था वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ हो, लेकिन जैसे ही बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल आंसर की आई उसमें आपका आंसर ये गलत बताया गया है। लेकिन दोस्तों, जो आपने वो पिछली बार जो आपने वो देखी थी, जो भी जहाँ से भी आपने वो आंसर की देखी थी, वो हो सकता है गलत हो, इस वजह से आपके जो नंबर कम हुए हैं। और कई बच्चों के ये भी आप मैसेज आए हैं कि 4-5 नंबर कम हुए, तो इसकी वजह यही है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके नंबर कम क्यों हुए। और दोस्तों, दूसरा सवाल यह है कि बोनस अंकों का आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा या नहीं। दोस्तों, बोनस अंकों का फ़ायदा केवल और केवल तब देखने को मिलता है जब क्वेश्चन आपके कोर्स से बाहर और लगभग कोई बड़ी हाई प्रश्न आ जाए, इस वजह से आपका बोनस अंक का फ़ायदा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जब मिलेगा, जब आपका कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाए, आपके कोई भी क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें 2-4 यदि क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके कोई 2-4 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन यदि भी डिलीट हो जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो आपकी बोनस अंकों के बारे में बात हो गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, आपका रिजल्ट आने की संभावना लगभग 15 फरवरी 2022 में आपका लगभग आ सकता है, मतलब कि आपका 15 फरवरी या उसके आसपास तक रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम लोग ऐसे ही 15 फरवरी बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप अपने ट्वीट पर देख सकते हैं कि राधे मीना ने ट्वीट करके ये बताया है कि आपका वीडियो प्री का एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट आपका फरवरी महीने में आएगा और उसकी मुख्य परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट लगभग 15 फरवरी या इसके आसपास देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि राधे मीना आखिर है कौन, इस बारे में अभी कुछ बताएं। तो दोस्तों, राधे मीना कौन है इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राधे मीना है जो राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। और दोस्तों, यदि उपेन यादव जी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों उपेन यादव जी राजस्थान युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए कि राधे मीना कौन है और उपेन यादव जी कौन है। दोस्तों, अब आपका ये सवाल होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी या नहीं, इस बारे में क्या होगा। दोस्तों, कट ऑफ बढ़ने की सबसे बड़ी संभावना तब होती है जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और यदि नहीं बढ़ेगी इसका मतलब है कि आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। दोस्तों, ये तो पता नहीं कि आपकी वीडियो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यदि होता है तो आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगी, और यदि नहीं होता है तो आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 50 रहने वाली है, ओबीसी की 45, ईडब्ल्यूएस की 45, एमबीसी की 40, एससी की 38, एसटी की 38। दोस्तों, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये केवल अनुमानित कट ऑफ है, और यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आपकी कट ऑफ इस या तो यही रहेगी या इससे 1-2 नंबर ऊपर या नीचे, इसके आसपास रहने का अनुमान है। और यदि दोस्तों यदि आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आपकी कट ऑफ इससे अधिक जाएगी, और इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कैटेगरी के बारे में। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी की कट ऑफ 33 से 38 अंकों के बीच में रहने का अनुमान है, और स्पोर्ट्स पर्सन की 36 से 38 तक, और वीडियो कैटेगरी की कट ऑफ 34 से 38 तक रहने का अनुमान है। और यदि दोस्तों हम बात करें कि आपके पद कितने बढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों लगभग 1500 पद बढ़ोतरी की सूचना विभाग से दोस्तों प्राप्त हो रही है, और ये दोस्तों जल्द ही अभ्यर्थना अधिसूचना बोर्ड को भिजवाई जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वीडियो के पद बढ़ाए, ये खबर दोस्तों न्यूज़ पेपर में भी आ चुकी है। तो दोस्तों, आपके बहुत सारी संभावना है कि वीडियो में भी आपके पद के बढ़ने की बहुत सारी संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।